इतनी यहाँ पे भीड़ है और भाई साहब मतलब इतने बढ़िया तरीके से ये बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल ही मजा आ रहा है। ओहो हो, क्या तरीके से जो रबड़ी इस पर डल रही है, क्या स्वाद आने वाला है, और कितनी सुंदर मतलब लग रहा है, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मुझे यहाँ से, और मज़ेदार खाने में बहुत टेस्ट आने वाला है। तो अभी हम क्या टोकन देते हैं, फिर हम भी लेते हैं आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट है। मतलब आप देख सकते हो ये ड्राई फ्रूट्स में कितने बढ़िया तरीके से काजू, पिस्ता, बादाम, मखाने, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया तरीके से डाले गए हैं, और जो दूध भी इसमें यूज़ किया है मतलब पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से दूध यूज़ किया गया है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, और दिल्ली में आप मेरे पीछे देख के शायद आपको पता चल गया होगा कि हम दिल्ली में कहाँ पहुंचे हैं। हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं, पुरानी दिल्ली जो कि पूरी हिस्ट्री से, पूरी स्टोरी से भरी पड़ी है। और अभी हम खड़े हैं बिल्कुल ज्ञानीज दी हट्टी के सामने, जहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं फलूदा रबड़ी के लिए, वो ज़्यादा फेमस है। तो आखिर क्या उसमें ऐसा जादू है, क्या है और हम लेने वाले हैं? तो चलिए हम पहले फलूदा लेते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर उसका क्या टेस्ट है और कैसा लग रहा है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं और उसके बाद हम अपना टोकन लेते हैं और फिर हम जाते हैं लेने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हम लाइन में लगे थे, हमारा नंबर आ गया और हम लेने वाले टोकन, उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं रबड़ी फलूदा। तो भैया एक हमें टोकन दे दीजिए रबड़ी फलूदा का। तो हमारा टोकन हमें मिलने वाला है, ये देखिए ये हमें टोकन मिल चुका है, 100 रुपये का हमारा टोकन है। अब उसके बाद हम जा रहे हैं अपने रबड़ी फलूदा लेने और उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं, फिर आपको बताने वाले हैं कि कैसा क्या टेस्ट है इसका। और ज़बरदस्त यहाँ पे टेस्ट है, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ है, और भाई साहब मतलब इतने बढ़िया तरीके से ये बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है। ओहो हो, क्या तरीके से जो रबड़ी इस पर डल रही है, क्या स्वाद आने वाला है, और कितनी सुंदर मतलब लग रहा है, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मुझे यहाँ से, और मज़ेदार खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। तो अभी हम अपना टोकन देते हैं, फिर हम भी लेते हैं। भैया ये हमारा टोकन है, लो जी हमारा टोकन चला गया। अब हमारी रेडी होने वाली है रबड़ी फलूदा। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया तरीके से इसमें डाले जा रहे हैं। अब ये इसमें फलूदा डाला जा रहा है, रबड़ी डाली जा रही है। अब ऊपर से भैया क्या डाल रहे हो आप इसमें, ये क्या बात है, अब ऊपर से चाशनी डाली है, अब इसके ऊपर हल्का सा आइस आने वाला है। क्या बात है, बर्फ़ इसमें डल चुकी है और हमारा ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त बनके, और बड़ा सुंदर ये लग रहा है, वाह। तो लो जी हमारा जो ग्लास है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इस पर ट्राई करने वाले हैं। और देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से जो इसमें फलूदा डाला है और जो रबड़ी डाली है, उसमें मुझे ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये बड़ा ग्लास मतलब मज़ेदार स्वाद आने वाला है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका कैसा टेस्ट है। मतलब आप देख सकते हो ये ड्राई फ्रूट्स इसमें कितने बढ़िया तरीके से काजू, पिस्ता, बादाम, मखाने, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें बढ़िया तरीके से डाले गए हैं, और जो दूध भी इसमें यूज़ किया है मतलब पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से दूध यूज़ किया गया है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब जो रबड़ी है मज़ेदार रबड़ी है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, बहुत स्वाद है, बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं है, मतलब मिठास इतनी है कि जब आप खाओगे तो आपका मन पूरा मीठा हो जाएगा। अगर लड़ाई भी करी होगी किसी से आपने तो भी आप बिल्कुल आपका मन एकदम मीठा हो जाएगा और एकदम मस्त मन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया ये फलूदा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप दिल्ली में आए और चांदनी चौक में आए और ज्ञानीस में आए हैं, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यहाँ का रबड़ी फलूदा कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, पर्सनली बहुत अच्छा बनाया है, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से हैं, जो उसमें यूज़ करा है मटेरियल बहुत अच्छे से यूज़ करा है।